नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख का देपसांग मैदान चीन के छल कपट का ताजा गवाह है। ये साइट भारत और चीन की अल्प परिभाषित सीमा पर स्थित है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने LAC के ठीक पीछे पूर्वी लद्दाख में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स का भारी जमावड़ा कर रखा है। 15 जून की रात के खूनी संघर्ष के बाद जैसा कि चीन ने पीछे हटने का वादा किया था, वैसे PLA नहीं कर रही है। हालांकि चीन से जो भी तमाम बयान आ रहे हैं वो उल्टा ही बयान कर रहे हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से ली गई 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि असल में चीनी सेना गलवान मुहाने पर अपने दावे को और आगे बढ़ाने के लिए आई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के सामने देपसांग मैदानों में बुधवार को एक अहम घटनाक्रम देखा गया। चीनी सैनिक आगे आकर इस क्षेत्र में अपनी मौजूदा पोजीशंस के आसपास तैनात हो गए। इंडिया टुडे ने ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस क्षेत्र में स्थित दो चीनी पोस्ट्स का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक तियान वेंदियन पोस्ट में एक मुख्य दो मंजिला इमारत के अलावा कई सपोर्ट इमारतें हैं, जैसा कि वाहनों के लिए शेड और कुक हाउस। बेस में सैनिकों के लिए संभवतः 3 बड़ी इमारतें हैं। इसकी एक बाउंड्री वॉल है जिसके पूर्वी हिस्से में मेन गेट है। यहाँ पर एक हाई पावर रेडार सिस्टम लगा हुआ है। जब इस जगह को गूगल अर्थ पर प्लॉट किया जाता है तो इस रेडार की साइट एलिवेशन प्रोफाइल संकेत देती है कि यह न सिर्फ DBO के ऊपर हवा में होने वाले मूवमेंट पर नजर रख सकता है, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर पर भी हवा में होने वाली हर हरकत पर निगरानी रख सकता है। 2006 से 2008 के आसपास चीन ने ऐसी ही एक और पोस्ट का निर्माण किया और इसे फॉरवर्ड पोस्ट 5390 नाम दिया। 5390 नाम के इस पोस्ट के आसपास के क्षेत्र में 5390 मीटर के सबसे ऊंचे पॉइंट से लिया गया है। इसके पास ही PLA का एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इसे लाल रंग से रंगा गया है, जिससे PLA का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रंग से जुड़ाव दिखाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।